हरियाणा में टोटल टीवी के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर अच्छी बढ़त के साथ सत्ता पर काबिज हो सकती है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने से चूक सकती है। क्या कहता है टोटल टीवी का एग्जिट पोल, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सभी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनेगी। राजनीतिक दलों में भी सरकार बनने को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है। जीत के दावे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन दावे कितने सटीक हैं ये तो 8 अक्टूबर को काउंटिंग के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन टोटल टीवी की टीम ने चुनावी परिणाम के आने से पहले ही हरियाणा की जनता का मन टटोलने का काम किया है। हरियाणा की जनता की मन की बात जानने के लिए टोटल टीवी ने प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के करीब 15 से 20 पोलिंग बूथ का रुख किया और जनता की राय को जाना, यानी कि सभी विधानसभा में 1500 से ज्यादा पोलिंग बूथ से करीब 18,000 लोगों का ओपिनियन लिया गया। हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों के हिसाब से सीटों पर जीत रहे सियासी दलों की बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 2 से 3 और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। यहां से कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। वहीं अन्य के खातों में 1 सीट जा सकती है और गठबंधन में इनेलो बसपा और जेजेपी एएसपी और आम आदमी पार्टी के हाथ कुरुक्षेत्र में पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ लगता नहीं दिख रहा। करनाल की 9 विधानसभा सीटों की तस्वीर देखें तो बीजेपी को 4 से 5 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने के संकेत हैं, यानी बीजेपी को यहां लीड मिल सकती है। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और जेजेपी एएसपी आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में सीटों के आंकड़े देखें तो बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इनेलो बसपा जेजेपी एएसपी और आम आदमी पार्टी यहां से भी खाता खोलते नहीं दिख रहे। फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सभी लोकसभा सीटों पर नजर डालें, बीजेपी की झोली में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 से 2 सीट यहां आ सकती है। यहां से भी इनेलो बसपा जेजेपी एएसपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही। सिरसा लोकसभा सीट के आंकड़े देखें तो यहां से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन और अन्य को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन जेजेपी एएसपी और आम आदमी पार्टी के हाथ यहां भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में 3 से 4 और कांग्रेस के खाते में 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इनेलो बसपा जेजेपी एएसपी और अन्य को 1 भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत लोकसभा सीट से मिले एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ 6 से 7 सीटें यहां जीत सकती है। साथ ही अन्य को भी यहां 1 सीट मिल सकती है, लेकिन यहां से दोनों गठबंधन की पार्टियों और आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। गुरुग्राम सीट के आंकड़े क्या कहते हैं उस पर बात करें तो बीजेपी को यहां से 3 सीटें मिलने के संकेत एग्जिट पोल दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दोनों गठबंधन की पार्टियों और आम आदमी पार्टी के हाथ पूरी तरह से यहां भी खाली हैं। रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो रोहतक लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटों के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें यहां मिल सकती हैं। यहां से अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, बाकियों के खाते में 0 ही रह सकता है। महेंद्रगढ़ भिवानी की बात की जाए तो यही आखिरी महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट बीजेपी को 5 से 6 सीटें मिलने के संकेत एग्जिट पोल दे रहे हैं। कांग्रेस को यहां से 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, बाकी दलों का 1 भी सीट यहां से मिल पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर फाइनल आंकड़ों पर नजर डाले तो हरियाणा में कांग्रेस बहुमत की सरकार बना सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 42 से 52 सीटें और बीजेपी को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन की बात करें तो इनेलो बसपा को करीब 2 सीटें मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वहीं जेजेपी एएसपी को 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है और अन्य के खाते में 2 से 7 सीटें जा सकती हैं।
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ऐसे में सिर्फ टोटल टीवी के एग्जिट पोल के आंकड़े ही नहीं बता रहे, बल्कि अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के जुटाए गए आंकड़े और एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की हरियाणा में बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। यानी कि पूरी संभावना है कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, सत्ता की चाबी हासिल कर सकती है। हालांकि अभी 8 अक्टूबर के दिन का इंतजार है, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज़।